जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज बहुत ही खुश हूँ। खुशी का एक वजह है, खुशी की एक मौका है, आप भी सुनेंगे तो आप बहुत खुश होंगे। दोस्तों खुश होने की वजह यह है कि अभी मैं अपने चैनल पे किसी को इनवाइट करने जा रहा हूँ। चलो इन्वाइट करते हैं, जोरदार करने की चीज। ये है अमन गुप्ता जी, अवध विश्वविद्यालय से सेशन 2021-23 से बीएड करने वाले। और इनका यहाँ पे आना मेरे खुश होने की वजह यह है दोस्तों कि कल बिहार बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट आया और गेस व्हाट, अमन जी का सिलेक्शन हो गया। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत बधाई अमन जी को, बहुत बहुत मुबारक आप सभी को, क्योंकि आपके बैच से अवध यूनिवर्सिटी के बीएड 21-23 के बैच से 23 सितंबर 2023 में बीएड कंप्लीट हुआ इनका, और दिसंबर 2023 में बिहार बीपीएससी में सोशल स्टडी के टीजीटी पोस्ट पे इनका एज ए टीचर सिलेक्शन हो गया। सो आप सभी के जोरदार तालियों के बीच और बड़े दिल से मुबारकबाद के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने चैनल पे वन एंड ओनली जिन्होंने ये खुशी की वजह दी, जिन्होंने खुशी का मौका दिया, अमन गुप्ता जी का। अमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक आपको आपके इस शानदार सफलता के लिए, आपके इस सिलेक्शन के लिए। आपकी पहली प्रतिक्रिया अमन जी। जी थैंक यू सो मच सर, आपने अपने चैनल पे आने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे बैच के सभी साथियों को बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे विश किया, तो थैंक यू सो मच। आपका बहुत स्वागत है इस चैनल पे। अमन जी हम और कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और एक खुशी का मौका दिया आपने हम सभी को। अमन जी कुछ अपने बारे में बताइए कि आपने बीएड कहाँ से किया, कब किया, किस कॉलेज से किया, हम कुछ जानना चाहेंगे आपके अपने बारे में भी, आप कहाँ से रहते हैं। जी मैं जी बता रहा हूँ सर, मेरा हाई स्कूल 2015 में हुआ था, इंटर 2017 में हुआ था और मेरे ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट हुई थी। फिर मैंने बीएड करने का सोचा, मैंने बीएड किया 2021-23 बैच का, और इसके लिए सर का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि मैंने सर की वीडियो देख के इसमें बीएड में फर्स्ट ईयर में 83%, सेकेंड ईयर में 86% लाया हूँ। तो ये मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड रही है। और इसके बाद फिर मैंने, और अच्छी बात मेरे साथ ये रही कि मेरा डिग्री से सर कंप्लीट हुआ सितंबर में, और ये वैकेंसी आ गई और मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया आप लोग के आशीर्वाद से, और अभी 30 तारीख को ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये आपकी मेहनत है और देखिए कितना बेहतरीन रहा आपका कि आपने हाई स्कूल किया, फिर इंटर किया, ग्रेजुएशन, बीएड कंप्लीट करते ही केवल 3 महीनों में एक वैकेंसी आई और आपका सिलेक्शन हो गया। जी केवल 3 महीने के अंदर मुझे जॉब मिल गई सर। मैं अपने दिल से बता रहा हूँ कि ये सौभाग्य है उन बच्चों का जिनको आप जैसे शिक्षक मिलेंगे, क्योंकि ये दर्शाता है कि आप कितने मेहनती हैं, अपने पढ़ाई के लिए कितने जागरूक हैं। पढ़ाई के दौरान ही, बीएड के दौरान ही आपने तैयारी कर ली, बहुत समय नहीं लगा। डेफिनेटली ये दिखाता है कि आप कितने मेहनती हैं। तो बिहार बीपीएससी का जो एग्ज़ाम था आपका, वो सेंटर कहाँ गया था, कैसे आपने वो एग्ज़ाम दिया? जी सर, मेरा जो सेंटर था ईस्ट चंपारण गया था, और ये मेरा पेपर था 9 दिसंबर को, तो वहीं जब सेंटर गया था मेरा। और प्रिपरेशन मैंने इसकी की थी, मतलब 3 महीने मैंने एनसीईआरटी ये अक्टूबर नवंबर, मतलब 2 महीने मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। बाकी मेरी पढ़ाई 2018-19 से चल रही है। मैं 2 बार यूपी पुलिस, 1 बार SSC GD क्वालिफाई कर चुका हूँ, पर मेरा उसमें हो नहीं पाया था क्योंकि मेरी रनिंग उसमें अच्छी नहीं थी, तो रनिंग में फेल हो गया था। तो मतलब तैयारी पहले से ठीक ठाक थी। बाकी इस एग्ज़ाम के लिए मैंने एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, और जब मैंने एनालिसिस किया था पिछली बार का जितना पेपर हुआ था, तो उसमें लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ रहे थे, लोग एनसीईआरटी पे फोकस नहीं कर रहे थे, लेकिन उसमें लाइन टू लाइन क्वेश्चन मैंने देखा, मतलब 40 क्वेश्चन होते हैं उसमें से कम 28-30 ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिल रहे थे। तो मैंने 6 to 10 एनसीईआरटी पूरा कवर की। मेरा जो सब्जेक्ट था 6 to 8 का, वो हिस्ट्री था और पॉलिटी था, तो मैंने एनसीईआरटी से 6 से लेकर 10 तक पूरी कवर की, और उसमें मेरे 40 में से हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन सही हुए थे, 30 नहीं 31 सही हुए थे, और पॉलिटी में मेरे 32 क्वेश्चन सही हुए थे, और जीएस एक होता है उसमें 25 क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल मेरे 88-89 क्वेश्चन सही हुए थे, 85 कट ऑफ लगी थी, तो इसमें मेरा नाम आ गया सर। और मेरी DO भी 2000 है, तो मतलब अभी 24 का होने वाला हूँ मैं। तो 24 से पहले आपकी नौकरी लग गई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके घर पे रिश्ते आने शुरू हो चुके होंगे, रिश्ते आने लग गए होंगे, अब इसकी भी एक तैयारी शुरू कर लीजिए आप। सर ठीक है, जो भी है अभी फिलहाल कुछ अपना और टारगेट है सर, उसको कंप्लीट करना है सर, ऊपर वाले के आशीर्वाद से ये सब हो गया है। अब अपना जो सर है कुछ सिविल सर्विसेज वगैरह, शुरू से मेरा इच्छा थी ना कि मैं कुछ सिविल सर्विसेज में करूं, लेकिन सर क्या होता है ना, अपनी फैमिली कंडीशन, बैकग्राउंड वगैरह चेक करना होता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज सबसे टाइम मांगती है, 1 अटैम्प्ट में नहीं हुआ, 2 अटैम्प्ट में नहीं हुआ, फिर भी आपको 3-4 अटैम्प्ट लग जाते हैं, तो स्टेबिलिटी इतनी नहीं थी। अभी थोड़ा स्टेबल हो गया हूँ, अभी थोड़ा इनकम भी होने लगेगी, तो मैं स्टेबल भी रहूँगा। और अगर मुझसे पैसन पूछा जाए तो मेरा पैसा नहीं है टीचिंग करना, मतलब मुझे पढ़ना पढ़ाना बहुत पसंद है,
तो इससे मेरी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और सब कुछ अच्छा रहेगा। तो ऊपर वाले ने चाहा तो कुछ सालों में कुछ और अच्छी न्यूज़ बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल, हम बेसब्री से इंतजार करेंगे उस दिन का जब आप आइएस। बाकी मैं टीचर बनता हूँ, तो मतलब मुझे बहुत खुशी इस बात की कि मैं टीचर बन रहा हूँ और भविष्य निर्माण में अपना बिल्कुल योगदान दे रहा बिल्कुल, हूँ। बच्चों को पढ़ाऊंगा और अपने पूरे दिल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा यह पैसा नहीं पढ़ना पढ़ाना। हमें जरूरत है इस देश को, इस समाज को, हम सबको आप जैसे बेहतरीन शिक्षक की जरूरत है। और जी सबसे जी अच्छी बात यह है कि आपके पास जो गोल है, जो टारगेट है, वो यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के। तो जब आप अपने बच्चों के भविष्य संवारेंगे, जब स्कूलों में पढ़ाएंगे, तो ये ध्यान रखें कि आपको उनको भी बेहतर बनाना है। तो आपसे पढ़ने वाले बच्चे जी जी बिल्कुल आपसे बिल्कुल पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपनी नॉलेज डे बाय डे इंक्रीज करूँगा, क्योंकि मैं अगर तैयारी भी करूँगा तो मुझे बहुत सारी नई चीज़ें पता लगती रहेंगी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को बच्चों को इसमें डिस्कस करूँगा, बच्चों को भी नॉलेज बहुत बढ़ेगी। तो अच्छा तो ही है आपसे सर। पढ़ने वाले बच्चे एक फ्यूचर आईएएस या आईपीएस से पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए भी सौभाग्य की बात है। जिस विद्यालय में जाएंगे उसके लिए भी खुशखबरी की बात है। सर ये तो आप बोल रहे नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जी सर कोशिश करेंगे कि हाँ कुछ और अच्छा कर पाएँ देश के लिए, कुछ और बढ़िया सा कर पाएँ। बाकी जब तक मैं टीचर रहूँगा बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा बच्चों को। मुझे पूरी उम्मीद है, मेरी आशा है कि आप जरूर एक अच्छे शिक्षक बनेंगे। अच्छा, बिहार बीपीएससी का जो आपने एग्जाम दिया था, क्या उसके लिए जी कोई जी कोर्स भी बाय किया बिल्कुल था या केवल एनसीईआरटी पे आपने सेल्फ स्टडी करी थी? जी जी नहीं, कोर्स मैंने कोई नहीं बाय किया था, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी कोर्स बाय करने की, क्योंकि जो सारे बैच वाले पढ़ा रहे थे मैं ऑलरेडी पढ़ रखा था, मैं 3 साल पहले प्रिपरेशन कर चुका था, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी। और मैंने नोट्स बना रखे थे सारी चीज़ों के, तो मुझे बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं लगी। बाकी एनसीईआरटी मैंने पढ़ा था, एनसीईआरटी के नोट्स बनाए थे मैंने, तो मेरा उससे कवर हो गया था। तो मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं कर सकूँ, ये नहीं बोलूँगा कि मुझे 100% कॉन्फिडेंस था। अभी भी डर लग रहा था, क्योंकि मेरे 88 मार्क्स थे, लेकिन फिर भी लोगों के मन में डर था। सीट 1625 केवल थी जनरल वालों के लिए, तो उसमें चांसेस कम बन रहे थे, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि हाँ हो सकता है हो जाए। तो 85 कट ऑफ लगे और हो गया सिलेक्ट। उसमें भी आप दूसरे स्टेट से जा रहे हैं। मैं आपकी इसलिए सराहना करता हूँ क्योंकि आप दूसरे स्टेट से गए हैं, जनरल कैटेगरी में आपने फाइट किया, फिर भी आपने क्वालिफाई किया, वो भी कब, बीएड डिग्री कंप्लीट होने के बिल्कुल 3 महीने बाद। बिल्कुल सराहनीय है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जी आपके मैं इस बहुत पर लकी रहा हूँ आपके इस सर। एफर्ट को। जी बहुत लकी रहा बिल्कुल हूँ लकी ही सर। नहीं, आपका मेहनत भी दर्शाता है। और आपने जो कहा ना एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी, मैं जी भी एक विद्यार्थी हूँ, जुड़ा हूँ, तो एनसीईआरटी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम एक दिन या 10 दिन या 2 महीने 3 महीने में खत्म कर पाए। ये दर्शाता है कि आपने कितने पहले से मेहनत किया। जी जी मैं 2 महीने से मतलब एनसीईआरटी अच्छे से कवर की, और मैं फ्यूचर में जितने लोग टीआरई देने वाले हैं शिक्षक भर्ती बिहार में, उनको भी सजेशन देना चाहूँगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिए, 3-4 बार पढ़िए। क्योंकि आप एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ेंगे आपको नए फैक्ट मिल जाएंगे, आप कितने बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, 2-3-4-5 बार पढ़ लेंगे, नए नए फैक्ट मिलते चलेंगे, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, फिर तो आपको आसान लगने लगेगा चीज़ें। अब मैं पेपर देखा हूँ, जैसे कि मेरा हिस्ट्री और पॉलिटी था, तो वो दोनों मैंने किया, लेकिन जो जियोग्राफी, क्योंकि इसमें ही चेंज ये किया गया था कि एग्ज़ाम से 5 दिन पहले बताया गया कि आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं बस, केवल पहले बोला गया था कि आप 4 सब्जेक्ट लेंगे, तो मैंने जियोग्राफी 1 महीने पढ़ा था, मतलब उसमें से 25 दिन मैंने जियोग्राफी पढ़ा था, वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी। तो वो 40 क्वेश्चन में से बहुत बच्चे बोल रहे थे कि हाँ 40 में से 15 आ रहे थे, 20 आ रहे थे, बहुत टफ था जियोग्राफी। बल्कि जब मैंने सॉल्व किया तो उसमें से मेरे 30 क्वेश्चन बन रहे थे, तो इसका मतलब बहुत ज्योग्राफी बिल्कुल हार्ड नहीं बिल्कुल, था। एनसीईआरटी पढ़ा होना चाहिए बस, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी क्योंकि मैं 4 सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा था, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तो ज्योग्राफी भी ठीक थी। अब जिसका नहीं हुआ उसके लिए तो टफ ही था, बाकी मेरे लिए वो 30 क्वेश्चन हो जा रहे थे मुझसे, 30-32 क्वेश्चन। यूपीएससी का ये पैटर्न रहा है कि कोर सब्जेक्ट से ही पूछता है, एनसीईआरटी से मोस्टली पूछता है। तो फाइनली आपकी तैयारी आपके काम आई। जी, एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ लेगा कोई बढ़िया से तो उसके चांसेस काफ़ी हद तक अच्छे हो जाएंगे फिर सिलेक्शन ये के। आपकी एनसीईआरटी या एससीईआरटी के नॉलेज आपके यूपीएससी के लिए भी फायदा करेगा क्योंकि ये आपका बेस मजबूत हो जाएगा इससे। जी, अभी फिलहाल यूपीएससी नहीं, मतलब कुछ हाँ हाँ ऐसा बिल्कुल सोच रहे हैं कि हाँ कुछ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूँ, मतलब अपना नॉलेज और इंक्रीज करूँ सर, और बच्चों के लिए भी सही है, पढ़ाएंगे उनको भी ज्ञान देंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है अमर जी, बहुत शुक्रिया, हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। मैं आखिरी आपसे एक कमेंट लेना चाहूँगा, टीचर बनने के बाद आपकी फीलिंग, आपके परिवार के रिएक्शंस, आपके दोस्तों का रिएक्शंस क्या है, एक आखिरी कमेंट के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। सर बहुत अच्छा था, और कल से मैं अटेंड कर रहा हूँ, कॉल ही अटेंड कर रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन कॉल आया है, मैं घर पे ही था और पूरे दिन कॉल अटेंड किया हूँ, बहुत लोगों का कॉल भी मिस हो गया है, तो अभी थोड़ा फ्री होंगे तो उनके पास भी कॉल करना है। बाकी कल से 2-2.5 से बहुत कॉल आ चुके हैं, सबको अटेंड कर रहा हूँ सर, खुशी की बात है सर, दोस्त लोग बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। रिश्तेदार भी कर रहे हैं, तो और अच्छा लग रहा है आपका सर, अच्छा आपका ये लगेगा सर। सिलेक्शन ऐसा लगता है कि जी जैसे हमारे एक परिवार से कोई सिलेक्ट हुआ, क्योंकि आप हमारे बैच के हैं, हमारे ग्रुप के हैं, जी जी तो थैंक यू, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत खुशी हुई हमें। आई जिन्होंने, थिंक जिनकी दुआएं मेरे साथ मोटिवेशन भी रही। मिलेगा सभी और ग्रुप के बच्चों को। बाकी मेरी तरफ से एक बार फिर जी से बहुत सर शुभकामनाएं आपके भविष्य की जर्नी के लिए।
और ज्वाइनिंग के बाद थैंक यू सो मच हम आशा सर। करते हैं कि जब आपके घर भंडारा या दावत होगा तो उसमें इन्विटेशन हमको और सभी बच्चों को जरूर मिलेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ग्रैंड पार्टी करेंगे, सब लोग को बुलाएंगे भी। आपकी सिलेक्शन। और सर मैं आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि आपने मुझे बहुत हेल्प की है ग्रेजुएट वो बीएड में, जब मैं बीएड कर रहा था तो उसमें आपके वीडियो में देखा था, मैं सीरीज वगैरह लाया था उससे कुछ खास, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं तो वो बहुत अच्छा समझाते हैं, आप बहुत अच्छे टीचर हैं और बढ़िया से समझाए मुझे, तो मतलब मैंने कर लिया था तो 85-86% बने। ये मेरा सौभाग्य है कि आपकी इस जर्नी में मैं थोड़ा सा योगदान दे पाया, सीरियसली ये मेरा प्लेजर है। जी थोड़ा नहीं बहुत आपने योगदान दिया है सर, 86% आपने बनवाया है सर, आपका बहुत बड़ा योगदान है सर। बहुत शुक्रिया आपने हमें मेंशन किया यहाँ पे। तो अमित जी एक बार फिर से अपने अपने चैनल से जुड़े सभी साथियों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, हम आपके भविष्य के आगे जीवन के लिए बहुत कामना करते हैं। धन्यवाद समय निकालने के लिए विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी, नमस्ते सर। तो ये थे अमन जी हमारे साथ, जिनका इस बार बीपीएससी बिहार सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के पद पे टीजीटी में सिलेक्शन हुआ। देखिए कुछ बातें यहाँ पे पॉइंट आउट करने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि बीएड इनका इसी साल सितंबर में कंप्लीट हुआ, केवल 3 महीने में इनका सिलेक्शन मिल गया। इसके पीछे की इन्होंने वजह क्या बताई दोस्तों, वजह बहुत ही खास, बहुत ही साधारण तरीके से बताया था कि इनकी तैयारी कोई ऐसी तैयारी नहीं थी जिन्होंने एक दिन में शुरू कर दी थी या 2 या 3 महीने में कर दी थी। इन्होंने एसएससी जीडी भी क्वालिफाई किया था, वो फिजिकल या रेस की वजह से नहीं निकल पाया, तो इनकी तैयारी पहले से दिखाई दे रही। और इन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो कोर्स या ऑनलाइन में पढ़ा रहे थे उनका ऑलरेडी प्रिपेयर था। इसकी वजह क्या थी कि इन्होंने एनसीईआरटी तैयार किया था। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई इनसे बात करके। मैं सच में बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार से कोई निकल के, और हमारी एज भी ऐसी नहीं कि मैं इनको छोटा या बड़ा भाई, मैं यूँ समझ लूँ कि एक भाई हमारे परिवार से सेलेक्ट हुआ है, हमारे चैनल से सेलेक्ट हुआ है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपसे जुड़े लोग, हमसे जुड़े लोग, चैनल से जुड़े लोग किसी अच्छे पद पर जाते हैं, कहीं सिलेक्शन होते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं ना, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत कामयाब हो, अपने भविष्य में आगे जाएं, सिलेक्शन पाएं, सरकारी पदों पर बैठे हैं, सिस्टम का हिस्सा बने। ये बहुत खुशी देती है मुझे। मुझे लगता है कि चलो आपके जीवन में थोड़ा सा मेरा भी योगदान रहा आपके इस जीवन की कामयाबी में, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मैं बहुत बधाई देता हूँ अमन जी को और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इनके भविष्य के जीवन के लिए। और आप सबसे एक निवेदन और एक शुभकामनाएं आप सभी को भी कि आप सब भी ऐसे किसी पद पे चयन हो, आप हमसे मिले, मिठाई खाना खिलाना ये अलग चीज़ होती है, मगर आपका यहाँ पे पहुँच पाना ही हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, एक बार फिर से दोस्तों बहुत बहुत बधाई अमन जी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मैं आशा करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी कहीं सेलेक्ट होके आए, मुझे मैसेज करें, मुझसे कॉल पे ऐसे ही बात करें और फिर हम इसको वीडियो बनाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत बधाई अमन जी को, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य बच्चे से बात करके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।